संभल जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में एक सौदे ने युवती को जिंदा जलाया। 70% झुलसी युवती को इलाज के लिए चंदौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ताजा मामला संभल जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र के सराय सिकंदरा गांव का सामने आया है, जहां पर अपनी ननिहाल में रहने वाली युवती से गांव का ही एक युवक एक तरफा प्यार करता था। सोमवार की रात को युवक युवती के घर पर पहुंचा, युवती के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब युवती ने विरोध किया तो युवक ने मिट्टी का तेल डालकर युवती को आग के हवाले कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई। झुलसी हालत में पीड़िता ने जब शोर मचाया तो परिजन पहुंचे और आग बुझाकर युवती को ले जाकर चंदौसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता का इलाज कर रहे चिकित्सक का कहना है युवती की हालत गंभीर है और वह 70% तक झुलसी हुई है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। संभल से न्यूज 7 के लिए सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। उसे बहुत कूटा था, अपने जेब से भी और अपने सबर से भी। क्या यार, तुझको देख लूं किसी दिन अकेली मरेगी को बोल लेकर आएगी तई, तुझे ऐसी मौत नहीं मारूंगा। तो देखते रहेगी और तेरे घर वाले मुझे कुत्ता का प्यार का झूठे बन जाएंगे। अंकित मेरा नाम है, ट्रैक नहीं करता हूँ और जब कोई हाथ लगाई थोड़ी सारी उसके हाथ पर छाटूंगा मैं। आपको छेड़छाड़ भी किया था आपके साथ? जी सर। छेड़छाड़ की थी आपके साथ? जी सर। घर में रात में लड़की ने कब्जा नहीं दिया, दिन मट्टी के लिए डाल के आग जला गया और भाग गया कूद कर, जब तक सिगरेट जले जब तक दीवार कूद के भाग गया। तो तहसीलदार साहब आए तब पता चला कि इसको किसी ने जलाया है, इस तरीके से बात। वो बयान मैंने नहीं सुने, तहसीलदार साहब ने अपना कमरा बंद करके बात करी है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन 65 to 75% जली हुई है, स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा अच्छे इलाज के लिए इसे बर्न यूनिट में ले जाना चाहिए, पर ये लोग अभी बता नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, कह रहे हैं आप हमारा इलाज यहीं करो, जबकि यहाँ पे इलाज इतना अच्छा सक्सेस नहीं है। अच्छा इलाज के लिए इन्हें बाहर जाना चाहिए। मैंने इनको सुबह समझाया बताया पर ये अभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जब जा नहीं रहे तो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसे।